वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आई एम सुनील प्रजापति। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर एग्रीकल्चर। आज हम लोग इस चैप्टर में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कितने तरह के होते हैं। सिंपल हमने जानना जानेंगे कि एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है, व्हाट इज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो वर्ड है, जो हमारा एग्रीकल्चर वर्ड है, वह डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एगर एंड कल्चर। ये हमारा जो वर्ड है वह एगर एंड कल्चर, ये एक लैटिन वर्ड है। ये वाला जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है जिसकी मीन्स होता है कल्टीवेशन। इसकी मीन्स होता है कल्टीवेशन, जैसे खेती करना, अगर जैसे लैंड पर खेती करना, जो हम लोग भूमि पर खेती करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग एग्रीकल्चर। एंड एग्रीकल्चर वर्ड डिराइव फ्रॉम द लैटिन टू लैटिन वर्ड एगर एंड कल्चर, दैट मीन्स एग्रीकल्चर। Thus, as you know, what is the importance of agriculture? All of you know that India is an agricultural country. India क्या है? एक agricultural country है. Near about 60 to 70% are people are engaged in the agricultural work. हमारे यहाँ 60 से लेकर 70% जो लोग हैं वो क्या है? वो एग्रीकल्चर वर्क में एंगेज है। इसके अलावा ये हमारे लगभग जितने भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है, एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्री होती है, ऑल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर डिपेंड ऑन देयर रॉ मटेरियल टू द एग्रीकल्चर। जितने भी हमारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं वह अपने रॉ मटेरियल के लिए वह एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं। एंड एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सेक्टर। हमारा जो तीन तरह के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, जो एग्रीकल्चर है वह हमारा प्राइमरी सेक्टर है। तो जो प्राइमरी सेक्टर है, क्योंकि भारत में अधिकतर लोग प्राइमरी सेक्टर में ही एंगेज हैं, इसलिए एग्रीकल्चर का हमारे कंट्री में बहुत अधिक महत्व है। आज नो इंडिया इज ए यूनिक कंट्री का एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिया क्या है? एग्रीकल्चर कंट्री है और यहां पर जो फर्टाइल सॉयल, हाई परसेंटेज ऑफ कल्टीवेशन लैंड, वाइड क्लाइमेट रेन एंड लॉन्ग ग्रोविंग सीजन प्रोवाइडेड ए सॉलिड बेस टू एग्रीकल्चर। ड्यू टू दीज फेवरेबल कंडीशन इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, सुगर केन, कोर्स केन एंड ऑयल सीड्स। हमारे यहां जो क्लाइमेट है, जो फर्टाइल लैंड है, जो हमारे यहां कई तरह के सॉइल पाए जाते हैं, इसकी वजह से हम लोग अपने यहाँ कई वैरायटी के क्रॉप्स, फ्रूट्स, इन चीजों का उत्पादन करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। और हम लोग इसीलिए टी, शुगर के में इंडिया जो है वो एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अब नेक्स्ट आई विल रिसर्च अबाउट द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम लोग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरह के एग्रीकल्चर होते हैं। तो फर्स्ट शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, पर और क्या है? शिफ्टिंग आर या स्लेज एंड बर्न। नेक्स्ट है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नेक्स्ट है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। एंड नेक्स्ट है
commercial farming and next है plantation agriculture. ये हमारे यहाँ चार तरह के एग्रीकल्चर होते हैं. अब हम लोग प्रत्येक टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में डिटेल पढ़ेंगे. तो हमारा जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, पहले हम जानते हैं शिफ्टिंग और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता क्या है. शिफ्टिंग या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में यह हमारे इस तरह का जो एग्रीकल्चर है वो ईस्ट वे नॉर्थ ईस्ट जो हमारे कंट्री का भाग है वहां पर इस तरह के एग्रीकल्चर पाए जाते हैं. इस तरह के एग्रीकल्चर में जो लोग होते हैं वह पहले जो जंगल होते हैं उसको काटते हैं. जंगल को काटने के बाद वे वहां पर लकड़ियों को जलाते हैं और जो ऐश होते हैं, जो राख होते हैं, उसको एज ए ह्यूमस के रूप में मिट्टी में मिला देते हैं और वहां पर खेती करते हैं. वहां पर एक या दो वर्ष तक खेती करते हैं. इसके बाद जैसे ही उस सॉयल की फर्टिलिटी समाप्त हो जाती है वह उस फील्ड को छोड़ करके किसी दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं. दूसरे जगह फिर वही जाते हैं और वहां पर भी वे लोग पुनः जंगलों को काटते हैं, उसको जलाते हैं. स्लेस एंड बर्न, स्लेस काटना जलाना, और वहां पर जंगलों को काटने के बाद पुनः वहां पर उसको लकड़ी को जलाते हैं और उसके राख को मिट्टी मिलाने के बाद पुनः वे लोग वहां पर खेती करते हैं. इस तरह की भूमि में एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड होता है, भूमि का एक छोटा टुकड़ा होता है, बहुत बड़ी भूमि का टुकड़ा वहां पर नहीं होता है. और इसमें जो मनुष्य होते हैं वह किसी तरह की फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हैं, प्रिमिटिव तरीके से खेती करते हैं. और इस तरह के एग्रीकल्चर में दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर आर डिपेंड ऑन मानसून. इस तरह का एग्रीकल्चर मानसून पर डिपेंड होता है. मीन्स यहाँ के लोग केवल खेती कर देते हैं, इसके बाद वहां पर उसमें तो किसी तरह के फर्टिलाइजर न तो इरीगेशन इस तरह का कोई कार्य वहां पर नहीं करते हैं. अब लोग पॉइंट में समझते हैं कि स्लेज शिफ्टिंग और स्लेज बर्न एग्रीकल्चर होता क्या है. तो इसका जो फीचर है शिफ्टिंग और स्लेज बर्न एग्रीकल्चर का जो फीचर होता है वह है पैच ऑफ लैंड इज क्लियर बाय कटिंग एंड बर्निंग द ट्री. बता ना पहले क्या होता है, वे लोग जो लैंड होता है वहां के ट्री को काटते हैं. सेकेंड, फार्मिंग डिपेंड अपॉन मानसून नेचुरली. फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन. वहां पर मैंने बताया कि वहां पर ये जो खेती होती है वो मानसून के ऊपर डिपेंड करती है और यहाँ पर जो लोग होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी के लिए किसी अदर सब्सटेंस का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए यह वहां के इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है. नेक्स्ट है, इस तरह के एग्रीकल्चर दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नॉर्थ ईस्ट इंडिया. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जहां पर देयर प्लेंटी रेनफॉल इज अकर एंड दिस मींस जो नॉर्थ ईस्ट एरिया आर कवर बाई द थिक फॉरेस्ट. वहां पर जो भाग भरा है वो एक घने जंगलों द्वारा घिरा हुआ है. घने जंगलों द्वारा घिरा होने के कारण वहां पर बारिश अधिक होती है. वहां पर छोटे छोटे टुकड़ों में वो लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं. आफ्टर टू और थ्री ईयर द क्लियरिंग इज एवोडेंट एज द एल्ड डिक्रीजिंग ओविंग टू वेट्स स्वाइल इरोजन एंड लॉस ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी. दो तीन बार वो फसल उगाते हैं उसके बाद सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है वो समाप्त हो जाती है. इसके बाद वो क्या करते हैं, भूमि को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं. देन द फ्रेश क्लियरिंग इज मेड एंड द कम्युनिटी माइग्रेट टू द एरिया. बताया किस बात क्या करते हैं, वो उस लैंड को छोड़कर चले जाते हैं. दिस इज अ वेस्टफुल मेथड ऑफ कल्टिवेशन. ये जो कल्टिवेशन है वो कल्टिवेशन सही नहीं, क्योंकि एक वेस्टफुल कल्टिवेशन है. इससे हमारे सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल इरोजन इस तरह के, और हमारा इन्वायरमेंटल जो
डिग्रेडेशन है वो होना शुरू हो जाता है। सो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट बेस्ट फॉर अवर कंट्री और एनवायरमेंट। इस तरह के जो एग्रीकल्चर होते हैं हमारे लिए सही नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एग्रीकल्चर होगा वो प्रिमिटिव। क्या होगा वो? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मींस होता है प्री मींस पहले, प्री मींस होता है पहले, जो पहले लोग खेती करते थे वे, मींस जो हमारे यहाँ जो पहली बार पहले टाइम पर एग्रीकल्चर का शुरुआत हुआ था तो उस तरह की खेती बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो क्या होता है ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस? देखिए प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी क्या होता है, एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड होता है, एक छोटी छोटा सा भूमि का टुकड़ा होता है जिसमें कि घर के ही लोग काम करते हैं। इस तरह की भूमि पर मीन्स फैमिली मेंबर ही क्या करते हैं, लेबर काम करते हैं। और इस तरह के एग्रीकल्चर में जो फार्मर होता है वह उसमें किसी तरह के फर्टिलाइजर का यूज नहीं करता है। साथ में यह जो एग्रीकल्चर होता है वह जो प्रिमिटिव यहां कह सकते हैं कि जो पुराने समय में जो हथियार होते थे उससे वे लोग खेती करते थे। देखिए इस समय जो यह जो एग्रीकल्चर होता है वह प्रिमिटिव टूल्स होते थे, जैसे वो हो गया, स्टिक हो गया, डाव हो गया, इस तरह से वे लोग क्या करते थे खेती में। तो जो ट्रेडिशनल टूल होते थे ट्रेडिशनल टूल से ही इस तरह की खेती को पूरा किया जाता है। फार्मिंग द मॉडर्न टूल आर नॉट यूज, इस तरह की खेती में जो मॉडर्न टूल्स होते हैं वो उसका यूज नहीं किया जाता है। अब हम जानते हैं इसका फीचर क्या, पॉइंट वाइज समझते हैं कि इसका क्या क्या फीचर होगा। तो पहला फीचर क्या होता है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर दैट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन विच क्रॉप ग्रोन ऑन आर कंज्यूम बाई द फार्मर एंड हिज फैमिली। इस तरह के एग्रीकल्चर में जो खेती होती है वह अपने फैमिली के लिए या अपने लिए ही खेती होती है, इसमें हम लोग जो अनाज होता है उसको बेचने के लिए नहीं करते हैं। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड, यह एक छोटे से भूमि स्मॉल पैच ऑफ लैंड में क्या होती है इस तरह के एग्रीकल्चर को किया जाता है। और इसमें इन दिस टाइप ऑफ दिस एग्रीकल्चर इज कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल में क्या हो जाएगा आपका हो डाउ डिगिंग स्टी एंड फैमिली लेबर। इसमें क्या होता है कि इसमें फैमिली के जो लेबर होते हैं वही काम करते हैं। द क्रॉप स्पेशलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज फार्मर ग्रोन वैरायटी क्रॉप टू फुलफिल देयर नीड ऑफ द फैमिली। इसमें जो फार्मर होता है वो अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए खेती करता है। एनिमल प्ले ए मेजर रोल इन द सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब देखो इसमें जो एनिमल होते हैं इसमें एनिमल हस्बेंड्री भी काम किया जाता है कि जो एनिमल होते हैं उनकी जो मेहनत होते हैं वह उसमें एक मेहनत रूप में काम करता है, उसमें वह खाद के रूप में काम करता है। नेक्स्ट हमारा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखिए क्या होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जैसा कि बताया गया आपको कि इस तरह के कल्चर में जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है, इस तरह के कल्चर में जो भूमि कम होता है, लैंड इज स्मॉल बट पॉपुलेशन इज हाई, पॉपुलेशन का प्रतिशत ज्यादा होता है जबकि लैंड क्या होता है कम होता है, प्रेशर लैंड पर प्रेशर क्या होता है ज्यादा होता है, इस तरह की खेती कहलाती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब देखिए क्या होता है इसका क्या फीचर होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इट इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस इन एरिया वेयर द पॉपुलेशन प्रेशर इज हाई ऑन द लैंड, इट इज अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। जहां पर जनसंख्या ज्यादा होती है,
जहां पर लैंड पर प्रेशर ज्यादा होता है वहां पर इस तरह की खेती की जाती है। और दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लेबर इंटेंसिव, एक लेबर इंटेंसिव होता है। द कल्टिवेशन इन दीज होल्डिंग हैज बिकम अन इकोनॉमिक इन द मोस्ट ऑफ द केस बिकॉज ऑफ लेस सरप्लस फॉर मार्केट मेनली ड्यू टू द स्मॉल प्लॉट हैड बीन कल्टिवेटेड। देखिए इसमें जो हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है उसको मार्केट में सेल नहीं कर पाते हैं क्योंकि वह अपने फैमिली में ही क्या होता है वो कंज्यूम हो जाता है। इसलिए ये इस तरह का जो एग्रीकल्चर होता है इसमें हाई एंड वैरायटी मींस हाई एंड इसमें अनाज का उत्पादन छोटे से ही लैंड में क्या होता है अनाज का उत्पादन ज्यादा होता है। अब देखिए इसका क्या फीचर होता है अब हम पढ़ेंगे इसका फीचर पॉइंट वाइज क्या होता है। मैंने बता दिया कि एग्रीकल्चर क्या होता है वेयर पॉपुलेशन इज हाई एंड स्मॉल एंड लैंड इज वेरी स्मॉल। अब हम पढ़ेंगे कि इसका क्या क्या फीचर होता है व्हाट इज द फीचर ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इसका पहला फीचर है पर हेक्टेयर एल इज हाई। पर हेक्टेयर में मृदा है कि इसमें जो अनाज का उत्पादन होता है वो काफी ज्यादा होता है। फार्मर अप्लाई मॉडर्न इनपुट लाइक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स एटीसी। अब इसमें तो हम लोग इस तरह के फर्टिलाइजर के लिए नहीं करते थे लेकिन हम लोग इस तरह खेती में मॉडर्न टूल्स का यूज कर रहे हैं। हम लोग इस तरह खेती में जो फर्टिलाइजर है उसका यूज कर रहे हैं और हम लोग इसमें जो एच वाई भी जो सीड्स है उस तरह के सीड्स का उपयोग करते हैं। फार्मर हैज स्मॉल लैंड होल्डिंग इसमें क्या होता है जो फार्मर होते हैं क्या होते हैं स्मॉल लैंड होल्डिंग होते हैं छोटे छोटे भूमि का टुकड़ा सबके पास होता है एंड मोर देन वन क्रॉप इज ग्रोन इन सेम फील्ड विच पुट्स इनॉर्मियस प्रेशर ऑन लैंड। अब इसमें क्या होता है इसमें एक ही लैंड में मोर देन वन क्रॉप एक से अधिक क्रॉप क्या करते हैं लोग उगाते हैं। सो द लैंड प्रेशर इज हाई ऑन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। नेक्स्ट हमारा है कमर्शियल फार्मिंग। जो कमर्शियल फार्मिंग होता है जैसा ठीक इससे बताया कि जो इंटेंसिव फार्मिंग होता है इंटेंसिव फार्मिंग में मैंने बताया कि लैंड छोटा होता है और उसमें बताया गया आपको कि द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन इज हाई ये पॉपुलेशन प्रेशर हाई होता है लेकिन जो लैंड होता है वो क्या होता है कम होता है। इसमें ठीक इसका उल्टा हो जाएगा इसमें पॉपुलेशन कम रहेगा लेकिन लैंड क्या रहेगा आपका ज्यादा रहेगा। हम कह सकते हैं कि इन द कमर्शियल फार्मिंग कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जनरली प्रैक्टिस इन दो रीजन वेयर लैंड इज एबंडेंट एंड पॉपुलेशन इज स्पार्स। यहाँ पॉपुलेशन क्या होता है काफी कम होता है और लैंड क्या होता है काफी कम होता है। इस तरह की एग्रीकल्चर वहां पर होती है जहां पर जो पॉपुलेशन कम होती है जबकि लैंड क्या होता है ज्यादा होता है। अब इस तरह के एग्रीकल्चर के क्या क्या फीचर होते हैं व्हाट इज द फीचर ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। तो फर्स्ट फीचर इसका क्या होगा लार्ज लैंड होल्डिंग। इसमें जो लैंड क्या होगा इसमें लार्ज होगा लैंड के उसमें एरिया क्या होगी ज्यादा होगी। इट इज डन ऑन द लार्ज स्केल एंड मोस्ट ऑफ द फार्म एक्टिविटीज आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न मशीन। इसमें आर एक्टिविटी सभी एक्टिविटीज आर कैरिड बाय द मशीनरी सारे वर्क किस होता है वह मशीन से होता है। उसमें जितने भी उसमें हमें बुआई करना हो हार्वेस्टिंग करना हो इरिगेशन करना हो सारे वर्क किससे होते हैं वह होते हैं मशीन से होते हैं। किसों क्योंकि इस तरह के कल्चर में एक लंबे क्षेत्रों में क्यों एक ही तरह की फसल की खेती की जाती है। नेक्स्ट है पर हेक्टेयर प्रोडक्शन मे बी लेस बट टोटल प्रोडक्शन इज वेरी हाई। इसमें मैंने बताया था देखिए इसमें बताया था कि पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन होता है वो हाई होता है
पर हेड मतलब क्या होता है काफी हाई होता है, लेकिन इसमें क्या बताया गया था कि पर हेक्टेयर परसेंट इज लो होता है, लेकिन सब मिलाकर क्या हो जाता है वो हाई हो जाता है। मिस्टर अगर टोटल प्रोडक्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यह स्मॉल एरिया होती है और यह क्या होती है एक लार्ज एरिया होती है, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्शन ज्यादा होगा। लेकिन अगर हेक्टेयर की बात करेंगे कि कहाँ पर कितने हेक्टेयर कितना प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो वो चला जाएगा इंटेंसिव में, लेकिन इसमें कम होता है लेकिन टोटल एरिया बड़ा होने के कारण इसमें प्रोडक्शन ज्यादा होता है। अब इस तरह की प्रतिष्ठा होती है यह रशिया यूएसए कनाडा अर्जेंटीना, यह जो है रशिया यूएसए अर्जेंटीना कनाडा में खेती की जाती है। नेक्स्ट आ रहा है, और अगर हम बात करें इंडिया में तो इंडिया में कॉमर्शियल फार्मिंग हरियाणा पंजाब और जो नॉर्दर्न स्टेट है जहां पर शुगर की खेती की जाती है वहां पर हम लोग कॉमर्शियल फार्मिंग को देखते हैं। नेक्स्ट है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, देखिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है इट इज एन एग्रीकल्चर सिस्टम अंडर विच ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल लाइक टी कॉफी रबर एटीसी। और देखिए सिंगल क्रॉप होता है जो लार्ज एरिया में उगाया जाता है तो होते हैं फॉर एग्जाम्पल क्या होता है टी कॉफी रबर आदर प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इसमें एक ही लंबे क्षेत्र में एक ही तरह की फसल को उगाया जाता है। अब जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है यह एक कमर्शियल टाइप का ही एग्रीकल्चर है, इसको हम लोग एक और नाम करें। अब देखिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन सम पार्ट ऑफ इंडिया लाइक हिल ऑफ साउथ इंडिया। अब देखिए यह प्लांटेशन का होता है हिल ऑफ साउथ साउथ इंडिया बना है वहां पर प्लांटेशन काम होता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर किया जाता है। और जो दूसरा होता है वो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है जो आसाम है मेघालय है त्रिपुरा है वहां पर प्लांटेशन वहां पर टी काफी नंबर खेती की जाती है इन क्षेत्रों में, इसलिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर का होता है साउथ इंडिया में होता है, जो साउथ इंडिया में जो हिल पहाड़ी क्षेत्र वहां पर होता है, और जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो भाग है वहां पर प्लांटेशन का एग्रीकल्चर किया जाता है। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो आई शैल डिस्कस अबाउट क्रॉपिंग सीजन और एग्रीकल्चर सीजन। थैंक यू।